देखिए सिंटू है, हम सिंटू के नाम से इनको जानते हैं, और कोचिंग जब 2017 में खोले थे ना, 2017 में 1 सितंबर 2017 को कोचिंग, आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं ज्ञान बिंदु जी एस अकेडमी पटना में, 1 सितंबर 2017 को उसका ओपनिंग हुआ था, किसान कोल्ड स्टोर में ओपनिंग हुआ था, एक छोटा सा क्लासरूम में जो आज के डेट में लाइब्रेरी है। संस्थान को खोलने में GAW हॉस्टल जो कि महेंद्रू में है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उसमें GAW हॉस्टल के छात्र ये भी थे, इनका भी संस्थान को खोलने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये हो गए, और भी बहुत सारे छात्र थे, तो उन छात्रों का नाम नहीं ले रहे हैं जो अभी तक सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि इतिहास हमेशा सफल लोगों को याद रखता है। संस्थान के प्रारंभिक छात्रों में रहे हैं सिंटू जी, और एक बार पढ़ लेने के बाद, ठीक है, एक बार पढ़ लेने के बाद सेल्फ स्टडी किए, शुरुआती दिनों में GS की तैयारी आप ही के संस्थान में बैठ कर के ये किए हैं, और लगभग अनेकों छात्रों को यहाँ पर भेजे हैं, सेल्फ स्टडी किए, और 67वीं BPSC में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, 67वीं BPSC में। और देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी छात्र के सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके खुद का होता है, तो इनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान इनके खुद का है, और आपकी सफलता में हम आपको बता दें, या किसी के भी सफलता में आप देखेंगे, हमसे मिलने जो भी आता है हम उससे एक बात जरूर पूछते हैं, आप सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते थे, तो इसके जरिए हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि बिना सेल्फ स्टडी का कुछ नहीं हो सकता है, सीधा सा मेरा संदेश यही होता है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि 67 BPSC में सबसे यंगेस्ट ऑफिसर में से एक हैं सिंटू जी, अप्रॉक्स में इनका उम्र मात्र 22 वर्ष हुआ है, ठीक है, मात्र 22 वर्ष, और तो यंगेस्ट ऑफिसर हैं BPSC के थ्रू, और आगे जो है आप देख ही रहे हैं, एक बार सिलेक्शन लेने के बाद जो है लोग आगे की ओर देखते हैं, तो इनको भी अभी मिलने के लिए आए थे, तो हम सजेस्ट किए हैं कि अभी BPSC हुआ है, आगे जो है टारगेट बड़ा कीजिए, मतलब UPSC की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करवाइए। और पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC BPSC ये सब परीक्षा में मेंस का मेन रोल होता है, मेन रोल मेंस का ही होता है, और कोई भी टीचर आपको दिशा दिखा सकता है, कोई भी संस्थान दिशा दिखा सकता है, लिखना आपको खुद पड़ेगा। मेंस का तैयारी ये लगभग सेल्फ स्टडी से किए हैं, मेंस का तैयारी लगभग सेल्फ स्टडी से किए हैं, 100% नहीं कहा जाए लेकिन 90% इन्होंने सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी, मेंस की तैयारी को धार दिया है। और क्या होता है नहीं होता है ये सब बात आप समझते बूझते ही हैं, और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जैसे उसी हॉस्टल के बहुत सारे हमारे छात्र हैं जो भर दिन रोड पे घूमते रहते हैं, समझ गए, उनको देखते हैं तो काफ़ी दर्द होता है, मन कचोटता है कि काहे नहीं इसका रिजल्ट हुआ है, लेकिन इनमें ऐसी बात नहीं थी, इसलिए जो है सेकेंड टाइम लिखे हैं, फर्स्ट टाइम में फाइनल नहीं हो पाया, सेकेंड टाइम मेंस लिखे, सेकेंड टाइम 67 में हो गया, थर्ड टाइम भी 68 का भी मेंस ये लिखे हैं, समझ गए। जो है एक गुमनामी का जिंदगी, जैसे हम कभी कभी आपको बोलते हैं कि रूम में बंद हो करके, क्लास के अलावा रूम में बंद हो करके पढ़िए, इधर उधर मत घूमिए, तो गुमनामी का जिंदगी इन्होंने जिया है, और हम आपको बोलते हैं कि गृह त्यागी बनिए, अभी बता रहे थे कि पिछले 2-3 साल में मुश्किल से दो बार घर गए हैं, समझ गए, मुश्किल से 2 बार घर गए हैं। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक सफलता आपके द्वार नहीं आ सकता है, तो इसलिए त्याग बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा स्वार्थी बनिए, सेल्फिश बनिए, तभी जाकर के कुछ बेहतर कर पाइएगा, नहीं तो क्या बेहतर कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा जीवन में, समझ गए। तो बाद बाकी 2-4 लाइन इन लोगों को मोटिवेट कर दीजिए, आप जो है अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिएगा, और कौन सा पोस्ट मिला है ये बता दीजिए, और सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते थे बस इतना बता दीजिए, बस
सबसे पहले ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संस्थापक रोशन आनंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, और तमाम यहाँ के स्टूडेंट्स सभी को दिल से धन्यवाद। मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं हूँ, सबसे पहले कि मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ, और मैं स्टार्टिंग जो सर का स्टार्टिंग समय रहा है कोचिंग का, उसी टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहीं न्यू हूँ, और आप ही में से मैं हूँ जो यहाँ तक आया हूँ। तो सर का बारे में जितना कहें उतना ही कम है। तो मेरा नाम सिंटू कुमार हुआ, और मैंने 2019 में ग्रेजुएशन किया हूँ, और 2020 से 23 तक LLB पटना लॉ कॉलेज से भी उत्तीर्ण हूँ। इसी दरमियान मैंने पाठथाद में जब था तो सर के पास उस टाइम पढ़ रहा था, 2018-17 वो जो चल रहा था सेशन 17-18 का, तो मन में एक आ गया था, मतलब कुछ लोग ऐसा मिले, कुछ ऐसा ठोकर लगा, कहीं ऐसा सीखें कि जो BPSC की ओर धक्का मारा कि नहीं तुम भी कर सकता है। और कुछ लोग ऐसे बातें हैं जो बहुत कुछ बोलता था कि तुम लोग अभी स्टार्टिंग हो, या तुम लोग मतलब मजाक बना लिया है, या BPSC ऐसा बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो मुझे भी लगा, और मैं एक चीज़ था कि मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, कोई अगर बोलता है मैं सीधे किसी का बार नहीं करता हूँ, बट अभी भी मेरा डायरी है, मैं डायरी भी लेखन करता हूँ, तो उसमें मैं ऐड कर लेता हूँ कि बंदा ने कौन हमको क्या बोला है, और उसी के साथ अपना स्ट्रेटजी फिक्स करता हूँ। और मुझे पता है कि जब सफल हो जाएंगे लोग खुद वो जो है मिटा लेंगे जो ये फिक्स करके रखे हैं कि सफलता एज का मोहताज है, या ज़्यादा उम्र है, या ज़्यादा पढ़ने वाला का होता है, तो ऐसा नहीं है। तो उसको मैंने 3-4 साल में समझा, और सर से 2018-19 से मैं दूर हूँ। 2019 से पहला मेरा ग्रेजुएशन का बाद अटेम्प्ट 66 BPSC था, मैंने ग्रीप क्लियर किया, मेंस भी लिखा, और उस टाइम मेंस के लास्ट टाइम जो होता है 25-26 दिन उसके पहले मुझे कोविड हो जाता है, और हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ, एम्स तक भी चला जाता हूँ। तो एक ये कि अटेम्प्ट देने के लायक नहीं रहते हैं, लेकिन एक था कि चलते हैं दे देते हैं, जब यहाँ तक आए तो दे देते हैं। उसके बाद मेरा जो स्कोर आता है तो पता चलता है कि बहुत कम नंबर से बाहर हैं, तो वो चीज़ हमको दिमाग में छप जाता है कि जिसमें हम बहुत कम मेहनत किए हैं तो यहाँ तक आ गए हैं, अगर इसमें दिल से अगर लगेंगे तो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस दरमियान सर का प्री अभी तक जो भी दिए हैं 66, 7, 8 3 निकला है, 69 भी दिए हैं वो भी निकलेगा। तो प्री में जब सर का मटेरियल है उसके अलावा अभी तक प्री हम नहीं पढ़े हैं, जो है सच्चाई बस करेंट पढ़ते हैं, प्री के लिए आज भी बस करेंट अफेयर पढ़ते हैं, और जो सर का जो मटेरियल है उसको मैंने रिविज़न किया, अभी भी प्रेजेंट वही करते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, आपका मटेरियल काफ़ी अच्छा है। और विश्वास कीजिएगा अभी भी मेरा टेबल पे आपका जो मटेरियल है रखा हुआ, प्री के लिए आप ही का मटेरियल यूज करता हूँ, मेंस के लिए तो थोड़ा स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। और 67 में स्ट्रेटजी के साथ लगा, उसमें बहुत उतार चढ़ाव हुआ, 10 बार एग्जाम कैंसिल हुआ, बहुत सारा जगह जगह पर डिप्रेस्ड भी हुआ। इसी दरमियान मैं एक दरोगा का एग्ज़ाम मेरा पकड़ा गया 2213, तो मैं सोचा कि दे देता हूँ कुछ नहीं तो कम से कम एक स्टैंड आता है, लेकिन वही होता है कि फिजिकल में नहीं होता, पैर क्रैक कर जाता है, मतलब क्रैम्प हो जाता है, उसका कुछ है नहीं, तो चलने उलने में आप लोग अगर हैं तो पता ही होगा। और इस दरमियान BPSC असिस्टेंट भी देते हैं, फाइनल एक नंबर से नहीं चूक जाते हैं, मतलब 2-3 एग्ज़ाम ना एक दो नंबर कुछ कुछ चूक गया, तो अंदर से लगा कि मतलब होगा क्या, लेकिन ये विश्वास था कि जो हमारा 67 का जो दिए थे, एक अनुभव था कि मैं अगर मुझे ऐसा लगता था कि मतलब BPSC ही लिखता, 2-3 लोग हमको बोले कि तुम छूट रहे हो ना एक नंबर से, तो तुम्हारा BPSC ही लिख रहा है, हम सोचे मजाक कर रहा है, बोले ट्रस्ट करो और विश्वास कीजिए कि ज़्यादा कुछ नहीं किए, स्ट्रेटजी किए और लगे, और अंततः मेंस क्लियर हो जाता है। और हम लोग लगभग 14 लड़का अपना ग्रुप से मेंस क्लियर करते हैं, फाइनल रूप से हम लोग जो हमारा क्लोजली फ्रेंड है उसमें 3 का सिलेक्शन हुआ फाइनल रूप से, उसमें से एक मैं भी हूँ। और इस दरमियान बहुत सारा मतलब ये आता था बीच बीच में कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे मतलब लोग कुछ कुछ ऐसे मिल जाते थे, सेलेक्टर बोले रे ऐसे क्या ये सब लग रहा, कुछ और देख लो, लेकिन जो होता है ना कि कहते हैं ना कि जब जुनून रहता है, बस एक चीज़ याद करते थे, जब भी डिप्रेस्ड होते थे तो एक चीज़ समझ में आता था कि मेरे माता जी आंगनबाड़ी सहायिका है, चूँकि मैं कोई उसे बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे पिताजी बचपन में डेथ कर गए थे, और मेरे माता जी बहुत संघर्ष के साथ पढ़ाया हम लोग, 2 भाई एक बहन है सर, तो भाई तो बड़े वाले उनका कुछ मतलब प्रोसेस में है, और बहन बैंक में है, तो उनके आने के बाद मुझे सपोर्ट मिला, और उन्होंने बोला कि
मतलब डरना नहीं है, अब फाइनेंशियली हम देख लेंगे। और विश्वास कीजिए कि 2015 से लेकर के अभी तक मेरा जो मेरे सिस्टर है फाइनेंस कर रही है, और कभी ये नहीं पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, बस उनका विश्वास था कि लड़का एक्स्ट्रा मतलब सोचता सही है कर लेगा, और मुझे भी विश्वास था चूंकि इतना लोग ने विश्वास कर लिए थे। और सर भी बोल देते थे कभी कभी, आते थे कि तुम किए नहीं जी, तुम तो हमारा पुराना स्टूडेंट रहे, मतलब दिल में छप गया था कि भाई मतलब इतना मेहनत करने के बावजूद अगर ये सब शब्द सुनिएगा ना तो दिल से ये आ जाता है क्या मुझ में क्या कमी है। तो जब भी डिमोटिवेटेड होइए तो माइंड में एक ही चीज़ सोचिए कि आप तो एक रूम में रह करके मेहनत कर रहे हैं, बताइए आपके हम लोग का जो माता जी हैं, मेरे तो माता जी ही हैं, उनको देखते हैं कि सुबह से लेकर रात 12 बजे तक कार्य करते हैं, और उसमें भी जब भी कॉल करते तो बोलते हैं कि माँ कैसी हो, तो बोलते बेटा ठीक है बस तुम लगे रहो ना, दिल से ये आवाज़ आ जाता है कि आज रात में नहीं सोना है। अब विश्वास कीजिए कि लास्ट के 35 डेज था जब मेंस का, उसमें 28 नाइट जागे हैं, और एक जुनून था कि नहीं इस बार नहीं होगा तो हम घर जाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि दरोगा डिस्क्वालीफाइड होकर जब मैं गया था तो माँ का जब चेहरा देखा अंदर से हिल गया, लगा अंदर की मतलब बेकार में जन्म लिए हैं, और एक छोटा सा एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते, क्या है क्या एग्जाम है क्या कुछ है, 10 घंटा 8 घंटा पढ़ेंगे, उसमें करना कुछ कोई कैरिगरी है ही नहीं है, बस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो है बस उसको पढ़ जाना है, दिस डैट करना ही नहीं है। और वर्तमान में मेरा 67 BPSC में BWO ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के पद पे मेरा अलॉट हुआ है, और कुछ दिन के बाद मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा, फिर सर से फिर मुलाकात होगी। सेल्फ स्टडी मेरा एक चिरा है, हर साल का अपना मैं स्टडी बना 2020-21 8 घंटा से 10 घंटा मेरा रेगुलरिटी रहा है, और मेरे साथ जो भी है उसे पूछ सकते हैं हॉस्टल में, मैं 3 बजे सुबह से लेकर के 9 बजे तक मेरा रेगुलरिटी एक साल रहा है, एक साल 3 बजे सुबह से 9 बजे अति 3 बजे सुबह से 9 बजे तक एक साल का रेगुलरिटी, जो भी मैं किया हूँ वो रियलिटी है, मेरा रूम पर का स्ट्रेटजी वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं सर का स्टूडेंट हूँ तो मैं ऐसा थोड़ी कहीं से कुछ बना के बोलूँ, सर को जान है जब सर को कोई नहीं जानता था यहाँ पे, और कहते हैं कि है ना कहते हैं कि गुरु, तो मैं सर से कांटेक्ट नहीं रहा ये हमको भी पता है, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट था सर के, जब मैं वीडियो देखता था तो एक चीज़ समझ में आता था कि सर हमारे साथ शुरू किया, इतना आगे निकल गए, हम लोग एक एग्ज़ाम नहीं निकालेंगे, तो ये चीज़ हाँ ये चीज़ जो खलता था, तो ये चीज़ है ना, कहा जाता ना कि काश यूं ही रो पड़ेगी आँखें तेरी, काश यूं ही रो पड़ेगी आँखें तेरी, आसमानों से ऐसी खबर भी आएगी, आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, एक दिन तेरे नाम से इस समंदर में लहर भी आएगी। तो एक चीज़ है सर से पर्सनली बता रहे हैं सर आपसे, बहुत मतलब ना वीडियो देख के ना हम उत्तेजित हो जाते थे, अंदर से लगता था कि मतलब कभी तो मौका मिले, तो आज सर से मिले, जब मिले सर से बोले कि सर फाइनली मेरा जो सपना जो सोचते थे कि काश सर हमको अपने क्लास में ले चलें और बुलवाएं कि हमारा स्टूडेंट रहा, तो ये मतलब सच हो गया, आज मतलब बहुत खुशी है कि सर के साथ जब आगे रहता था किसी को यहाँ पे देखता था ईसाई वगैरह को तो लगता था कि सब ईसाई सब बन गया ईसाई, लेकिन आज गर्व हो रहा है कि BPSC ऑफिसर हूँ, है ना। तो एक चीज़ है करना कुछ नहीं है, बस सेल्फ स्टडी मेन होना चाहिए, 70% से 80% आपका सेल्फ स्टडी काम करेगा, सर डायरेक्शन देंगे, सर ऐसा नहीं कि रिजल्ट आपको करवा देंगे, सर आयोग में तो है नहीं कि सर कहेंगे कि सिलेक्ट कर लो, तो मेहनत करना आप ही को, सर बस डायरेक्शन देंगे, जहां फंसिए सर से मिलिए, और 2-4-5 घटना को अपना डायरी में कहीं लिख दीजिए दीवार में, और उसको दोहराते रहिए कि इस दिन को हमको लाना है, जो हमको कोई बोला उसका जवाब देना है, और जो बोला कि तुमसे नहीं होगा वो आदमी बोले कि हम जानते थे कि तुमसे हो जाएगा, समझे। तो ये चीज़ है ना, मैंने लाइफ से बहुत कुछ सीखा, सर से डिस्कनेक्ट, सर बोले ना कि गुमनामी की ज़िंदगी में जिया हूँ, मैं 2022 में मात्र 2 दिन और 2023 दिन मात्र 3 दिन के लिए गया हूँ, 2 साल में 2 बार घर गया हूँ, 2 बार 3 बार। तो रेगुलरिटी और प्लस स्ट्रेटजी और प्लस सेल्फ स्टडी, और कोई अगर आपको कहता है कि आपसे नहीं होगा तो उसको बोलिएगा नहीं, रिजल्ट का बाद जाइएगा, बोले दोस्त हो गया मेरा, वो ज़्यादा नहीं बोलना है, लास्ट में मिलना बोलना कि हो गया। अभी सर बहुत लड़का शॉक्ड है मेरा से, मतलब मेरा मित्र लोगों नहीं जानता है, 8-10 मित्र से किसी को बताया नहीं, सर को तो अब पता चला, किसी को नहीं बताएं, क्यों बताएं, फाइनल हुआ वो लोग रेलवे में है, सब स्टेटस लगा रहा था, रोज देखते थे, और हम बोलते थे वो लोग से कि यार फाइनेंशियली मदद करो, हम बोलते थे कि मैं सर पर्सनली बात होती है, सब दोस्त मेरे अच्छे हैं तो उनसे बात होती थी, बोलते थे कि हम बोलते थे सर वो लोग कुछ फाइनेंशियली मदद करो यार मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो बोलते थे रखो रेलवे है ये तुम कैसे मेहनत कर रहे हो, जब स्टेटस मेरा गया आई एम सिलेक्टेड इन BPSC उसके बाद सब शौक हो गया,
तो एक चीज, हाँ एक चीज यही है, और बस सर के जो आशीर्वाद है हम पे रहा, सर का जो दबाव है, सर का जो दो तीन बात होता है डांट देते हैं कभी कभी, वो चीज जो है ना सफलता तक लाने में मदद किया। एक चीज है, सर का जो अच्छे बात है उसको दीवार में लिख लीजिएगा, और जो माता पिता के जो भेज देते हैं वहाँ से घर से जो कुछ तो बोल के भेजते हैं कि बेटा अच्छा करना, तो उसको लिख दीजिए, क्योंकि वो चीज़ ना आपको दिमाग को जो है ना जब भी आप थकिएगा तो याद आएगा। मेरा एक टेबल के आगे लगाया हूँ, उसमें लिखा हुआ कि मेरी माँ हर रोज़ सुबह यही कहती है, मेरी माँ हर रोज़ सुबह यही कहती है कि कामयाबी एक दिन तेरी कदम चुमेगी, और मैं कैसे थक कर बैठ जाऊँ यारो, मेरी माँ मेरी कामयाबी के इंतज़ार में बैठी है। और रिजल्ट हुआ तो सबसे पहले मैं माँ के कॉल लगाया, क्योंकि माँ मेरे इंतजार में थी, सही में उनको पता था कि रिजल्ट आने वाला है, और माँ के सबसे पहले ही एक ही बात बोला कि माँ अब बोल दो कि मैं एक अधिकारी का बेटा हूँ, मेरा बेटा अधिकारी बन चुका, आज के बाद कोई तुमको ये नहीं करेगा कि कौन है क्या है, बस देखेगा तो बोलने भी सोचेगा। तो एक चीज़ हम देखे, चूँकि मेरी माँ जिस जगह पे काम करती थी तो वहाँ आंगनबाड़ी सहायिका, तो बहुत कुछ माँ हमको बोलती थी कि ये होता, लेकिन मैं एकदम ठान लिया था कि जो इस तरह का हमारे साथ किया है मुझे काम से जवाब देना, अब आगे मैं मेरा प्रिपरेशन जारी रहेगा, और मैं एंगेस्ट ऑफिसर हूँ, 22 साल 4 मंथ में मेरा सिलेक्शन हुआ है बोर्ड के हिसाब से, आगे सर से मिलूँगा तो मैं चाहूँगा कि UPSC में रिजल्ट लेकर आऊँ जी। तो एक, हाँ एक चीज़ और बोल रहे हैं कि इस दरमियान ना गोल के साथ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा फैक्टर है, डिस्ट्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, भटकाव, हाँ इसे दोनों के लिए सब पर लागू होता है, 360 पे लागू होता, कोई इसमें नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन जब तक, मैं मतलब ये चीज लिखा था कि डिस्ट्रैक्शन हम मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं होंगे जब तक कहीं से कोई ऐसा रहेगा नहीं, चूँकि अपना पर्सनल लाइफ है, और आगे जब सफल हो जाएंगे तो अपना हिसाब से तो जीना ही है, लेकिन जब तक माँ बाप का जो भरोसा है वो पूरा करना है। तो एक है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। तो ये चीज़ करना है ना, और एक आएगा आप लोग भी लाइएगा पल, आप लोग अभी मौका मिलेगा, बस फर्क कितना है कि बस बेंच के आप उधर हैं, बेंच के इधर हैं, बस वही फर्क है, मेरा पोस्ट चेंज हो गया बस, और बस यही बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। चलिए, तो संस्थान की तरफ से जो एक छोटा सा उपहार सिंटू जी को दिया जा रहा है, ठीक है, इसमें एक किताब है, वो किताब जरूर पढ़िएगा, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, हाँ ठीक है।